श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। चुनावी चंदे का हिसाब देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इस मामले में बुरी तरह लताड़ा और 12 मार्च यानी कि कल तक चंदे से जुड़ा पूरा हिसाब किताब जमा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में SBI से कहा कि 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आए चंदे का हिसाब चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 15 मार्च को इसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SBI को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे का हिसाब देने को कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज SBI की तरफ से पेश हुए वकीलों की सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा फैसला आने के बाद 26 दिन तक आप क्या कर रहे थे? जब एक क्लिक पर सारी जानकारी निकल सकती है तो आप ये जानकारी देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को लताड़ते हुए कहा कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भले ही गोपनीय तरीके से चंदा जमा करवाया है, लेकिन चंदा जमा करने वालों की KYC तो होगी ही। क्या आपने बैंकिंग के नियमों का पालन किया है? आपको अतिरिक्त समय क्यों चाहिए? इस काम के लिए आपको 4 महीने का वक्त क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर 12 मार्च यानी कि कल शाम तक ये जानकारी नहीं दी गई तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। चुनावी चंदे के बाद अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग से जुड़ी खबर क्या है। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने ही वाला है और अब देश में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग में खाली पड़े चुनाव आयुक्त के 2 पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार पिछले साल बदले गए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नियमों के तहत नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दें। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से ये याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। चुनाव आयोग में फिलहाल आयुक्तों के 3 पदों में से 2 पद खाली हैं। इससे पहले अनूप पांडे फरवरी में चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पिछले महीने उस कानून को लागू किए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल के जरिए करने का प्रावधान है। इस पैनल में पहले ही तरह भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं किए गए हैं। चुनाव के ऐलान के पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मैंने पिटीशन करी है कि इनके जो ऑर्डर इनको रिस्टेन करना चाहिए और जितनी भी इलेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस उसमें इंक्लूड होना चाहिए, जिससे इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से संचालित किया जा सके और जिस तरीके से आनन फानन में इलेक्शन कमीशन्स की जितनी भी नियुक्ति हुई है उसके बाद अभी आज देखिए आप जो उन्होंने रिजाइन किया है 2 दिन पहले, तो निश्चित रूप से इन चीजों पर रोक लगना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए BJP आज दूसरी लिस्ट पर मंथन करने जा रही है। आज शाम दिल्ली में BJP की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें लोकसभा में 150 उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा।
एक दो दिन में लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी, जिसमें 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। बीजेपी आज शाम होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र की सीटों पर मंथन करेगी। बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों बिहार और महाराष्ट्र के कई नेताओं से मुलाकात की है। मीटिंग में करीब 150 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद एक दो दिन में नाम का फाइनल हो सकता है। सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि बिहार में एनडीए चिराग पासवान को और महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को कितनी सीटें देता है। बीजेपी के अलावा आज कांग्रेस भी दूसरी लिस्ट पर मंथन करने वाली है। खबरें हैं कि कांग्रेस आज दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर सकती है। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें आपको चुनाव लड़ने के लिए 4 और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को दी है करीब 1,00,000 करोड़ की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए देश भर में 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 112 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सबसे बड़ी सौगात हरियाणा को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। इसमें NH 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा सेक्शन करीब 4,100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधे गुरुग्राम बाईपास से जुड़ गया है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कई और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें दिल्ली के नांगलोई नजफगढ़ रोड के सेक्टर 24 द्वारका खंड तक 9.6 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाली सड़क भी शामिल है। गुरुग्राम से ही वर्चुअल तरीके से पीएम ने यूपी में लगभग 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बने लखनऊ रिंग रोड में 3 खंड और आंध्र प्रदेश में लगभग 2,950 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 16 के सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर द्वारका एक्सप्रेसवे पर रोड शो भी किया। चुनाव के पहले मंत्रियों मुख्यमंत्रियों का अयोध्या में राम मंदिर के दर पर पहुंचना तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनके कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में राम लला के दर्शन के लिए जा पहुंचे। भजन लाल शर्मा ने कहा कि मुझे यहां आकर बेहद खुशी हो रही है, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि राम लला का इतना भव्य मंदिर बना है। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचने वाले भजन लाल शर्मा तीसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले यूपी की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राम लला के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। ये बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम आज पूरे राजस्थान का मंत्री परिषद प्रभु श्री राम जी के चरणों में उनके दर्शन करने के लिए आए। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद है कि जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया। पूरा देश सौभाग्यशाली है, मैं समझता हूँ अपने जीवन का सबसे बेहतरीन मोमेंट में कह सकता हूँ, बड़ा भाग्यशाली दिन है। देखिए ऐसा है कि आज राम दरबार के दर्शन के लिए पूरे हम राजस्थान से सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। ये मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत ऐतिहासिक काम किया है, हमारी सबकी आस्था, हमारे सबके प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में विराजमान किया है। हम सब गौरवान्वित हैं, अभिभूत भी हैं और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम मत्था टेक करके इस देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। जन जन के आराध्य देव भगवान श्री राम के दर्शन करने आज राजस्थान की संपूर्ण सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में आज यहां पर आए हैं। साथ में संगठन के भी कार्यकर्ता आए हैं। वास्तव में हम बहुत हर्षित हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं इस बात को देख करके। अयोध्या की नगरी में हम आकर भगवान श्री राम के आज दर्शन करेंगे, धन्य हो गए हम। राम लला की तरफ से आए हैं, हम सौभाग्यवान हैं
भगवान ने हमें रामलला की धरती पे दर्शन के लिए जो 500 साल से इंतजार था वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पूरे भारतीयों का सपना पूरा किया है। विशेष भारत शो में ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर से हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।